हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लाए हैं, नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक, तो पहला है हमारा प्रकृति संख्याएं, दूसरा है पूर्ण संख्याएं, तीसरा है पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, आभास संख्याएं। ठीक, तो इनको हम परिभाषा भी बताएंगे। परिभाषा जो बताएंगे वो स्क्रीन पे लिख के आएगी, एग्जांपल जो बताएंगे बोर्ड पे बताएंगे। ठीक, तो प्रकृति संख्या क्या है? जिन संख्याओं की गणना की जाती है उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, जैसे 1, 2, 3 एंड इन्फिनाइट। यानी प्रकृति संख्या वह संख्या होती है जो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, तो वो हमारी क्या होती है? प्रकृति संख्या होती है। ठीक, पूर्ण संख्या है। फिर आता है पूर्ण संख्या है, जिसको हम होल नंबर से बोलते हैं। ठीक, यदि प्रकृति संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो हमारी क्या कहलाएंगी? होल नंबर्स कहलाएंगी। जैसे ये, यदि प्रकृति संख्याओं में हम 0 को शामिल कर लिए तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या। ठीक, आता है अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक, यानी सभी पूर्ण संख्याओं अथवा ऋणात्मक संख्याएँ ही क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे -1, -2 एंड सो एंड इन्फिनाइट, -∞ तक। ठीक, तो ये हमारी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। ठीक, तो पूर्णांक भी दो तरह के होते हैं इंटीजर। एक होता है हमारा धनात्मक होता है और दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक। दूसरा हमारा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। फिर इसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर्स। जैसे हम 5 को, ठीक, एग्जांपल क्या, 5 में संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1, 5/1। 0 को भी लिख सकते हैं और 3/2। ये हमारी क्या आती है? आदि। क्या आदि? क्या हमारी परिमेय संख्या है। ठीक, जिनको मतलब भाग यानी भिन्न भिन्न के रूप में लिखें वो हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। फिर आता है आप परिमेय संख्या है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए वो हमारी क्या कहलाती है? आप परिमेय संख्या है। जैसे √2, √5, ये सब हमारी क्या होती है? आप परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो वो क्या कहलाती हैं? रियल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक, जो कि हम तुमको बता दिए, जैसे मान लो 5/5/2, √3, 5, ये सब हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलके वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है हमारा सम संख्याएं। ठीक, सम संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? एवन नंबर्स कहते हैं। 4, 6, 8, ठीक, ऐसे ही। ठीक, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, सभी संख्याएं, ठीक, जो 2 से विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती है? एवन नंबर्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा विषम संख्या है। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे 3, 3, 5, ठीक, 9 एंड 15। तो ये 2 से विभाजित होंगी? नहीं होंगी। 3 से हो जाएंगी, 5 से 5 भी होगा, 5 एकम 5। ठीक, 9 3 से विभाजित हो जाएगी, 15 3 से भी हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी। तो ये हमारी क्या कहलाती है? ऑड नंबर्स कहलाती है। फिर आता है हमारा अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स। वे सभी संख्याएं एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या के साथ विभाजित ना हो वो क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक, और जिनके 2 गुणनखंड हों वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर। जैसे 1, 2, 3, 5 और 7, 11। ये जो स्वयं संख्या है और उससे हो जाएगी 2, 1 से भी हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी। ये 3, 3 से भी होगा और 1 से भी भाग होगा,
यानी भाग हो जाए। ठीक, पाँच, पाँच को दो से नहीं कर सकते हैं, तीन से भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो एक, एक से भी हो जाएगी और पाँच से भी हो जाएगी। पाँच एकम पाँच, एक पची पाँच। ठीक, सात, सात न दो से, न तीन से, न पाँच से, तो यानी स्वयं संख्या होगी और एक होगा। ठीक, अब आता है हमारा भाज संख्या है, वे सभी संख्याएं एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या के साथ विभाजित हो जाएं, वो क्या कहलाती है? भाज संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर्स कहलाती है। जैसे सिक्स, ठीक, एट, ट्वेल्व, जिसके मतलब दो गुणनखंड क्या होंगे, दो से अधिक होंगे, तो क्या भाज संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। ठीक, तो ये हमारी क्या कहलाती है? भाज संख्या कहलाती है। एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक, जल्दी से देखो। प्रकृति संख्या क्या होती है? जो एक, दो, तीन, ये सब क्या होती है? हमारी प्रकृति संख्या होती है। अगर इसमें प्रकृति संख्या में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बनी? पूर्ण संख्या होंगी। और पूर्णांक क्या होंगी? जो धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक होगा। ठीक, यानी प्रकृति संख्याएं भी होंगी। ठीक, जैसे माइनस वन। ठीक, तो यह जीरो क्या क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक, अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या है जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाए, वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन क्यू हमारा जीरो नहीं हो सकता है। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट टू को हम क्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप ऐसे लिखेंगे? टू बाई थ्री ऐसे लिखोगे? ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी परिमेय भी हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो, तो वह क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। ठीक, उसके बाद सम संख्या। सम संख्या यानी जो सभी संख्याएं, ठीक, जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है? सम संख्या। एवन नंबर क्या होता है? वह संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित ना हो। ठीक, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके दो गुणनखंड हों। अब कंपोजिट संख्या क्या होती है? जो एक होगा और स्वयं संख्या होगी और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा, आ गया नंबर सिस्टम। ठीक, तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ठीक, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना। ठीक।